और चलिए बुलेटिन में बढ़ते हैं, वह आगे रुक करेंगे राजस्थान का। राजस्थान के धौलपुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है, बस और टेम्पो के बीच टक्कर हुई है जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 3 महिलाएं शामिल है और 8 बच्चे बताए जा रहे हैं, और ये मौत का आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है ऐसा बताया जा रहा है। पोस्टमार्टम के लिए शवों को अस्पताल में रख दिया गया है। बता दें कि बस और टेम्पो के बीच में भिड़ंत हुई जिसके चलते ये बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। इसमें 12 लोगों की मौत जो है वो बताई जा रही है कि 12 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है, और इसमें बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं। और देखिए ये जिस तरीके का हादसा हुआ है यहाँ पर धौलपुर में, इसके बाद से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया है क्योंकि काफ़ी दर्दनाक ये हादसा है। और बस और टेम्पो के बीच में जिस तरीके से टक्कर हुई है उसके बाद आंकड़ा देखिए 12 लोगों की मौत हो गई है इसमें, और अभी बताया जा रहा है कि आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। सोचिएगा कितना दर्दनाक यह हादसा हुआ होगा। हालांकि जानकारी आनी अभी बाकी है कि किस तरह से यह हादसा हुआ है, आखिर किस तरफ से लापरवाही हुई, क्या ऐसी वजह रही जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हो गया, बस और टेम्पो के बीच में टक्कर हुई है जिसके चलते ये दर्दनाक हादसा हुआ है, और इस हादसे में 12 लोगों की मौत हुई है जिसमें बच्चे भी शामिल हैं और महिलाएं भी शामिल हैं। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है, मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रख दिया गया है, और इलाके में हड़कंप जो है वो देखा जा रहा है इस हादसे के बाद से। रात के 11 बजे का टाइम था, बस जा रही थी धौलपुर से, धौलपुर से आज जयपुर की तरफ जा रही थी, तो श्रीपुर गांव के पास एक टेम्पो धर्मतरा से गाड़ी करवा रहा था, उससे ही टक्कर हो गई। धर्मतरा से गाड़ी आ रही थी तो शनिपुर के पास रोड पर एक्सीडेंट की 12 लोग और बच्चे वगैरह हैं तो मिला के, एक घायल है अभी। तो देखिए दर्दनाक हादसा ये हुआ है, बस और टेम्पो के बीच में टक्कर हुई है, 12 लोगों की इसमें मौत हुई है जिसमें से 8 बच्चे बताए जा रहे हैं, 8 मासूम बच्चों की भी मौत इस हादसे में हुई है। किस वजह से हुई है, क्या रफ्तार जो है वो इन लोगों की ज़िंदगी पर भारी पड़ी जिसके चलते ये दर्दनाक हादसा हुआ। हालांकि जैसे ये हादसा हुआ मौके पर लोगों की भीड़ जो है वो जुट गई थी रेस्क्यू ऑपरेशन में, तमाम जो आसपास के लोग थे, जो टीमें आई थी पहुंची थी मौके पर खबर मिलने के बाद, वो रेस्क्यू ऑपरेशन में तुरंत जुट गई थी। लेकिन तब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी थी, आनंद फानन में लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा था। बड़ा हादसा ये हुआ है, बस और टेम्पो की टक्कर हुई है, 8 बच्चे शामिल हैं। पुलिस ने शवों की पहचान के बाद उन्हें अस्पताल में रखवाया है। तो देखिए राजस्थान के धौलपुर की एक घटना है, दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। और चलिए अधिक अपडेट के लिए रजाउल्ला खान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजाउल्ला खान, देखिए जिस तरीके से बस और टेम्पो के बीच में टक्कर के बाद हादसा हुआ है, आंकड़ा अभी 12 बताया जा रहा है, ये आंकड़ा क्या और बढ़ सकता है, ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है इस हादसे को लेकर? बिल्कुल, देखिए सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच दो बड़ा घटनाक्रम है, जो बड़े दर्दनाक हादसा है वो राजस्थान के जो धौलपुर का बाड़ी सदर थाना सदर इलाका है वहां पर देखने को मिला है, जहां पर एक स्लीपर कोच और एक टेम्पो के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई। पूरे मामले के अंदर 8 बच्चों सहित जो 5 लोगों की मौत है, वो 11 लोगों की जो मौत है वो मौके पर हो चुकी है, जिनमें 8 बच्चे 3 महिलाएं और एक पुरुष बताया जा रहा है। जैसे ही हादसा हुआ वैसे ही दर्द पुकार चीर पुकार इलाके में मच गई, जिसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तमाम लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ लोग जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जंग लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह कि जिस तरीके से बरौली गांव के अंदर एक बड़ा भात का कार्यक्रम था, उस भात के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद जो टेम्पो में सवार लोग थे वो कहीं ना कहीं जो है अपने घर की तरफ वापस जा रहे थे धौलपुर की तरफ, इस दौरान स्लीपर कोच ने उनको अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद ये बड़ा जो दर्दनाक हादसा है वो यहाँ पर सामने आया, जिसके बाद SP कलेक्टर सहित जो अन्य प्रशासन के अधिकारी हैं वो तमाम मौके पर पहुंचे हैं। बड़ी बात यह कि जिस तरीके से स्थानीय इलाके में ग्रामीणों ने जिस तरीके से सहयोग किया है वो काफी सराहनीय है। वहीं खास सूत्रों के मुताबिक मृतकों की तादाद अभी तक बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे मामले के अंदर 8 बच्चे 3 महिलाएं और एक पुरुष की मौत हुई है, कहा जा रहा है कि 12 जो तादाद इसके अंदर हो चुकी है 11 से बढ़कर, और भी जो लोग हैं वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से जो प्राइवेट बसें हैं वो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरीके से तांडव मचाती नजर आती है, सवारी को बिठाने के चक्कर के अंदर जाता है, वो ब्रेक लगा दिया, उसके बाद कहा जा सकता है कि जल्दी सरकार इन जो प्राइवेट बसें होती है उन पर एक्शन लेने के लिए जल्द से जल्द कोई कानून या ऐसे निर्देश तमाम अधिकारियों को देने होंगे। जो अधिकारी जो फील्ड में नहीं जाते, जो अधिकारी कुर्सी पर बैठ के काम
करना चाहते हैं उन तमाम लोगों को दिशा निर्देश देने होंगे, क्योंकि अभी हादसा हुआ है। हादसा होने के बाद जो पुलिस प्रशासन है वो मौके पर पहुंचा है। फिलहाल 12 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और जो आंकड़ा है वो इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। जी बिल्कुल। और बात की जाए रजाउल्लाह खान इस पूरे मामले में फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई अभी की जा रही है, और देखिए 12 लोगों की मौत का आंकड़ा नहीं है, ये 11 लोगों की मौत इसमें हुई है। ये नया अपडेट है कि ये 11 लोगों की इसमें मौत बताई जा रही है जिसमें से 8 बच्चे हैं। फिलहाल कार्रवाई क्या कुछ की जा रही है, अधिकारियों द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए अधिकारियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पहली जो हमारी प्राथमिकता है वो घायलों का उपचार कराना है। जैसे ही घायलों का उपचार होगा, जब वो कुछ बयान देने की स्थिति में होंगे, उन लोगों के बयान लिए जाएंगे कि किस तरीके से स्लीपर कोच चल रही थी, किस साइड में उनका टेम्पो चल रहा था, कितने टोटल लोग जो टेम्पो में सवार थे। लेकिन जिस तरीके से हादसा हुआ है उसके बाद अब FIR जो दर्ज करने की कार्रवाई है, वो FIR दर्ज करने की कार्रवाई पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है, क्योंकि शादी के कार्यक्रम यानी भात जो मायरा होता है भाइयों की तरफ से बहनों को शादी के अंदर दिया जाता है, उन तमाम जगहों से ये तमाम लोग लौट रहे थे। फिलहाल स्लीपर बस को जो पुलिस प्रशासन है उसने अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं मौके पर जैसे पुकार मची वैसे ग्रामीण मौके पर पहुंचे, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। दुआ की जा रही है कि अब घायलों की जो मृतकों की संख्या है उनमें बढ़ोतरी नहीं हो। लेकिन रजाउल्लाह खान इसमें टेम्पो सवार लोगों को लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि ये तो बताया जा रहा है कि बस का जो ड्राइवर कंडक्टर था वो भी घायल है जिनका उपचार चल रहा है, लेकिन टेम्पो सवार लोगों को लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए टेम्पो सवार लोगों की अगर बात की जाए तो तमाम लोग अस्पताल के अंदर मौजूद हैं। जिस तरीके से अभी हाल ही में ये घटनाक्रम हुआ है उसके बाद प्रशासन अधिकारी की जो टीम है वो मौके पर पहुंची है, प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा है, कोई किसी तरीके से कोई जवाब देने की कंडीशन में नहीं है। हमने अधिकारियों से भी बात करना चाहिए, अधिकारियों का कहना है कि पहली हमारी जो प्राथमिकता है वो घायलों का उपचार करवाना है, चाहे टेम्पो चालक की बात की जाए, सवारियों की बात की जाए, या फिर बस कंडक्टर और बस ड्राइवर की बात की जाए। वो तमाम लोग अभी अस्पताल के अंदर जेरे इलाज है, यानी उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल जैसे ही वो किसी बयान देने की कंडीशन में होगी उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि टेम्पो चालक की गलती नहीं थी या बस चालक की गलती नहीं थी। क्योंकि लेकिन जिस तरीके से बड़ा दर्दनाक घटनाक्रम सामने आया, 8 बच्चों की यहाँ पर मौत हो चुकी है, कहा जा सकता है कि एक बड़ा दर्दनाक हादसा है वो यहाँ पर देखने को मिला है। जी ठीक है रजाउल्लाह खान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नजर आप बनाए रखिएगा, क्या कुछ अपडेट इसमें निकल कर आता है वो समय पर आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।